हाँ जी हाँ जी, फिर हो ये पे नस्ल होगी अच्छी, फिर आगे भी आगे नस्ल अच्छी होगी ना। सही बात है, सही बात है। दारू जी के पास हमने लाइटिंग कर दी है। वाह एक नंबर। बहुत ही अच्छा बनाऊंगा खाना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। तो अभी निकल चुके हैं हम गद्दी बेट पार्कों के पास। तो आपको एक रौनक बताता हूँ, अभी मैं सोनभद्रा नदी जो हमारी यहाँ की प्राचीन नदी है, तो ये है दोस्तों हमारी प्राचीन नदी सोनभद्रा नदी। और इसमें आप देख सकते हो गद्दी बेट पार्कों की रौनक, हर एक साइड बेट बकरी यही है, उधर भी है एक डेरा। तो चलते हैं आगे दोस्तों, क्या ही नज़ारे देखो हमारे इधर। तो भाई बेट बकरियाँ यहाँ हर एक साइड पर यार, ये कुछ टाइम के लिए ही है, अब थोड़े दिनों में ये निकल जाएंगे। तो चलो आगे जाके भी करते हैं बात। अब मैं जा रहा हूँ इस साइड को, और जो हमें गद्दी मिले हैं वो इस साइड मिले थे। और ये मतलब जो अंब से होकर गगरेट को शॉर्टकट एक सोनभद्रा नदी से जाता है रोड, वो वाला था। पर अब हम जा रहे हैं थोड़ा पीछे ही, जो कि मवा है, मवा उस साइड को थोड़ा जाके, तो मवा वाली खड्ड भी मिलती है सोनभद्रा नदी से। तो हमारे वाले गद्दी उधर बैठे हैं। तो अभी का माहौल आप देख सकते हो, तो लगा हुआ पूरा। तो अपने सारे बेट पालक आ चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यार क्या उनके इस टाइम हमारे सोनभद्रा नदी में। तो ये देखो भाई, ये असली मज़े। तो सच में मतलब दिल खुश हो जाता है कि अपने हिमाचल की शान, मतलब लगता है कि हिमाचली कल्चर अपना पूरा। तो बेट बकरी और जो पहाड़ी टोपी होती है, तो ये देखे। जय हिमाचल भाई, कैसे हो? जय हिमाचल भाई, हो ठीक हो? बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए आपके हैं। कैसे बस भाई यार, दिल आपका दिल से दिल मिल गया ना, बस आप बढ़िया होना और भाई ठीक हो, बड़े दिनों में मिले हैं और ठीक हो बढ़िया। अच्छा आप जग्गो भाई के छोटे भाई हो ना? बड़े भाई हो। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? पवन। तो आप तो पीछे थे ना अभी, है ना? तो अभी आगे जा रहे हैं काकू भाई, तो आगे आगे जा रहे हैं। तो हाँ जी कट्ठा ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है आपका। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं मेन रोड पे आके। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे पेट्रोल होता है और यहाँ पे हवा भी डलवा लेंगे। पर यार अब नेचुरल मैं जैसे यहाँ पे रहता हूँ ना, और आज का दिन है मेरे लिए सच में यार ये बड़ा मतलब कि ना जनीक सा है, क्योंकि अपने यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कहीं दूर ही हूँ। और यहाँ पे हमें भाई भी मिल चुके हैं। भाई हाय, कैसे हो? बढ़िया भाई जी। भाई अपना नेम बता दो एक बार। ये अपने अंजू बेट पालक जी है, इन्होंने हमारे साथ पहले भी काफी बार ब्लॉग बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। चार दीवारें मंगी है। तो जी अभी लगा है हमारा डेरा, जो कि हमारे हिमाचल के शान आन मान शान हमारे गद्दी बेट पालक जी हैं। सो आज इतने दिनों के बाद, 2 साल के बाद, आज हम मिल रहे हैं अपने कोर बेट पालक जी के साथ। कोर बेट पालक जी, राम राम जी। नौ चेतन, कैसे हो जी? नौ ना। जय हिमाचल। कैसा रहा जी सफर यहाँ तक का पिछले साल से? बड़ा अच्छा। अच्छा जी, तो बड़े कभी मुलाकात ही नहीं हुई आपकी उसके बाद, जब लास्ट टाइम हम मिले थे उधर हरिपुर गलेर में, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई कभी आपके साथ? नहीं हुई, साल के बाद। साल के बाद हुई है। अभी आप जा रहे हो फिर से, है ना जी? तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी फिर क्या क्या दिक्कत आई यहाँ पे इस बार, इस सीजन को, इधर को कोई दिक्कत आई खास? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, सब कुछ ठीक रहा जी? तो ये अपने लशिया जी, तो आपसे भी मिलकर बहुत अच्छी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा, और ठीक हो? हाँ ठीक है। कैसा रहा आपका सफर इस पर फिर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी जा रहे हो फिर आगे को है? वापसी, वापसी है हिमाचल के एंड के कोनों से वापस होके अब फिर जा रहे हो अपने भरमौर को, है ना जी? बेटी चाहिए?
तो जी आज हम आपको बताते हैं, ये देखो ये है अपने हिमाचल, हिमाचल जो हिमाचल है हमारा, वो ये असली गद्दी ब्रांड है। और गद्दी ऐसे देखो इनके पूरे बर्तन होते हैं। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं खाना। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि केयर करते हैं ये, मतलब जब इनके मेहमान आते हैं, है ना जी। वाह जी वाह, एक नंबर। बहुत ही अच्छा बना हुआ खाना। चलो अब आपको खाना खा के फिर मिलते हैं। तो खाना खाते टाइम तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए, है ना जी। पर चलो फिर भी आपको एक जो एक एक चीज़ है वो मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लोर करके बताता हूँ गद्दी वेदपाल को जी की। तो आप देख सकते हो अभी भाई करना यार इस साइड आगे करो। तो अब हम दूध के साथ खाएंगे, जो मतलब पहले तो हमने सब्जी के साथ किया था, तो अब दूध के साथ। ये कल्चर पूरा ऐसे होता है ना जी। तो जैसे मतलब इनके इधर पहले सब्जी के साथ, उसके बाद जैसे चावल दूध के साथ भी खाए जाते हैं। सो ये भी एक वो है ना जी। तो चलो अब हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है। एक नंबर। दारो जी के पास हमने लाइटिंग कर दी है। तो उधर फिर जैसे वो आपने घर बनाए थे, वो उनका क्या किया फिर? अच्छा वैसे रहेंगे वो, ले जाएंगे ठेकेदार। अच्छा ठेकेदार ले जाएंगे है ना उसका सारा वो। फिर जैसे अगले सीजन आओगे आप फिर दोबारा वहाँ वैसे ही घर है ना? अच्छा तो मैं भी बड़ा मिस कर रहा था उन जगहों को, पर उधर दिक्कत तो सबसे ज्यादा ये थी क्योंकि बाइक नहीं जा पाती थी ना। फिर था बड़ा ज्यादा मतलब रेत था उधर, बड़ा मुश्किल पहुंचना होता था उधर। चलो कोई नहीं, आगे आगे देखेंगे। है कि नहीं? तो आपने खाना खा लिया? अगर बंदा ले जाए तो वहां से भी चली जाती बाइक। अच्छा उधर से भी सीधी ऊपर तक? चलो वही मतलब रेत रेत में से सीधी, रेत में से ऊपर कंडी कंडी से ले, कंडी कंडी से। ओ यार अब वल्ला चलो कोई नहीं, पहुंचाएंगे अगली बार देखते हैं। पौड़ी में है आगो घर का था ना के चित के चौकी चौकी वो बड़ बाहर से ले जरा जरा तुम कलाई रानी खेत आए से बिले नहीं है चावल अभी नहीं बने हैं और भाई भी अपने बीच आ चुके हैं। और भाई जी कैसे हो? ठीक है चली हुई लाइफ। अपना एक बार नेम तो बोलो। प्रवीण जी, अपने प्रवीण भेड़ पालक जी है। तो भाई आपको कितना टाइम हो चुका है काम करते करते वाला? अभी थोड़ा हुए भाई, 2-3 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक चली हुई है लाइफ? ठीक तो नहीं है पर काम कुछ नहीं भाई, चलो ठीक। चलो ऐसे ही है ना, मुश्किल झेलनी ही सबसे बड़े है ना, नौकरी का साधन नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए ये चीज हमने वो कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ना पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही है ना, वही तो बात है। आगे आगे तो बिल्कुल ही खत्म ही है सब कुछ। पर ये अभी चलो हम भी पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, पर नौकरी नहीं है भाई, बस वही तो दिक्कत है ना। तो हिमाचल में इतनी वो है कि नौकरी मिलना तो मुश्किल ही है। ला ये रहा डाल डाल और आगे ब्रो हमारे में चार एपी डाटे ना ब्रो लग गया, ये आगे नहीं चल रही थी ना पहले। ओ फिर आपको पता है एक बद्दी पर चक्कर लगता है। अथरा माल बताओ भाई, एक आधा नग बताओ, बकरा बताओ बड़े वाला। बेडू बता दो फिर कोई तगड़ा यहाँ पे। बेडू भी नहीं है यार, बेडू ना बेच दिए इस बारी पता। अच्छा बेच दिए उन्होंने, रखेंगे वो। बकरा है यहाँ पे कोई बड़े वाला?
बकरियां। तो देखो ये भाई, ये है बड़े वाला बकरा। ओ भाई साहब, ये है चीज असली है भाई। हाँ जी भाई, आप अपनी लाइट बंद कर लो ना, क्योंकि लाइट में इतना अच्छा नहीं आएगी फिर फोटो। सो भाई ये है अथरा बकरा ना भाई। भाई इस बकरे का कितना रेट होगा? इसका होगा भाई कोई 30 होगा। 30 इस बकरी का, अगर बकरी देनी हो तो इसका कितना आ सकता है? अच्छा अच्छा, इसका इतना क्यों रेट लग रहा है भाई? ये भाई प्योर गद्दी नस्ल है ना। अच्छा प्योर बड़े वाला है ना? हां जी भाई, विशाल बकरा है ये। हां जी भाई, ब्याह वास्ते रखा हुआ है ना ये। अच्छा जी, हां जी हां जी, फिर हो ये पे नस्ल होगी अच्छी, फिर आगे भी आगे नस्ल अच्छी होगी ना। सही बात है, सही बात है। अच्छा जैसे बाबा के नाम का रखते हो बकरा, कार्तिक बाबा के नाम का? हां जी भाई। फिर उसको लग ही बांध देते होगे कुछ है ना? रखा हुआ है काको भेड़ खाता, भेड़ पालक ने। अच्छा जी, उन्होंने कार्तिक के मंदिर में काटना है उसको। अभी हम आ गए हैं डेरे से बाहर, और ये लगी हुई अपनी बाइक, हो रही है अपने भाई। सो भाई अब अलविदा बोलने का आपको टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरा भी टाइम हो चुका है ड्यूटी का। सो चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना फिर अपना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, है जय हिमाचल। और एक बार बोल दो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चैनल पे वीडियो देखते रहना तुम लोग भाई। फिर बोलो राम राम, नाल वो कर दो एंड विच जय हिमाचल। जय हिमाचल, जय हिमाचल।